हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। छपरा में सड़क निर्माण में धांधली से ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, उच्चाधिकारियों से सड़क को जांच कराने की ग्रामीणों ने की मांग। सिवान पुलिस ने करोड़ों रुपए मूल्य के अष्ट धातु की मूर्ति की बरामद, 6 अपराधियों को भी किया गया गिरफ्तार। और बेगूसराय में कृषि यांत्रिकरण मेले का किया गया आयोजन, 105 प्रकार के कृषि यंत्र के लगाए गए हैं स्टॉल। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत बाढ़ से करेंगे। अतमलगोला थाना क्षेत्र के थंबा गांव में सड़क किनारे घर के आगे बैठी एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला शांति देवी की सवारी वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि स्वस्थ रही एक बच्ची मामूली रूप से जख्मी हो गई। वही घटना के बाद भाग रहे वाहन को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। इनके साथ तो गाड़ी से धक्का लगेगा, वो तो हम आगे की बात नहीं कर सकते हैं, हम तो थे थाना में। हाँ, थाना से आपको इनको लेके आए पोस्टमार्टम? नहीं, पोस्टमार्टम में गए बड़ा बाबू जा कर के वहाँ से उठा के लाए। दो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बाइक करा था, बैठल हम घर में थे और 5 मिनट में आए, देखते हैं कि धक्का मार दे, तो कोई बच्चा बोला कि अभी चोट लगा, तो हम तो कहीं चोट भला, मगर चोट लगा था, एगो बहन था, दोनों बहन बैठल था, उसको चोट लगा, वही थे 5 ही मिनट के बाद नहीं खत्म हो गया। सालिमपुर थाना क्षेत्र के काला दियारा गंगा घाट पर अपने परिजनों के साथ स्नान करने गई 2 बच्ची डूब गई। इस संदर्भ में परिजनों ने बताया कि जब देर हो गई और दोनों घर नहीं पहुंची तो वो गंगा नदी तक ढूंढने आए, लेकिन दोनों गंगा घाट पर नहीं मिली, इसलिए उन्हें आशंका है कि दोनों नहाने के क्रम में गंगा नदी में डूब गई। फिलहाल घटना की सूचना सालिमपुर थाने को दे दी गई है। अच्छा, दोनों वो मेरी लड़की थी, वो सारू की थी, दोनों तीनों मिल के आया, पापा निहा दिए, निहा के उसको मैं हम लड़कावा के ऊपर कर दिए, ऊपर करके हम भैंस के जोड़ धर लिए। उसके बाद कहे कि चलो, वो बोला कि चलिए पापा हवा चल रहे हैं पीछे से हम भैंस के लेके चले, फिर ताके नहीं कि वो चढ़ा कि नहीं बच्चा, फिर तुरंत भैंस बांध के आए, तालू भर में मेरा बच्चा डूब गई। नगरा प्रखंड क्षेत्र के जगदीशपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 10 में चल रहे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत पक्की सड़क निर्माण में घटिया ईंट का प्रयोग होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों को बुलाकर सड़क को जांच कराने की मांग की और इसके साथ ही सीमेंट दिखाने की भी ग्रामीणों ने मांग की है। क्या काम जो हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? पट ईंटा है और ईंटा खराब है। मामला है यही कि जब तक यही नहीं आएंगे, पट ईटा क्यों बिछा, और 4 नंबर का ईंट है, और मुखिया जी अपना बलबा मतलब इसको ढलवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनता इसको रोक रही है। कुर्था थाने में होली पर्व को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान प्रभारी थाना अध्यक्ष राजकिशोर राय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए तरह तरह की अफवाहें उड़ाकर लोगों को भ्रमित कर देते हैं और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे अफवाहों पर ध्यान न दे। शांति समिति में बैठे उपस्थित लोगों ने सबसे पहले होली का अग्रिम बधाई दिया गया, हम भी दिए, प्रखंड क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन को होली का बधाई दिया गया। शांति समिति की बैठक में जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं अपने क्षेत्र से कुछ प्रस्ताव दिए हैं, उस पर अमल किया जा रहा है, उस क्षेत्र में पूरा फोर्स हम रखेंगे, उसमें निगरानी रखेंगे और उन लोगों से भी सहयोग का अपेक्षा रखते हैं। पर्व को लेकर मसरक थाना परिसर में भी शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने होली को शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचे और किसी तरह की आशंका होने पर पुलिस को तुरंत सूचित करे। वैसा तो कुछ नहीं है अपने यहाँ, फिर भी अगर छोटा मोटा जैसे होली का दहन है, होली का दहन का एगो इश्यू हो जाता है, यही करेंगे यहाँ।
सिवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभिन्न मंदिरों से करोड़ों रुपए मूल्य के अष्टधातु की मूर्ति को सिवान पुलिस ने बरामद किया है। वहीं 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के कीमती अष्टधातु की मूर्ति, 2 पिस्टल, 4 कारतूस सहित अन्य सामग्री पुलिस ने बरामद किया है। वह इस पूरे मामले की जानकारी सिवान SP अभिनव कुमार ने दी है। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए असाव से 7-6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि जो मेन उसमें जो अभियुक्त था वो न्यूटन राय था, जो कि पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। 4 केस हैं अभी तक, हम लोग उस पर 8 केस अभी तक संभाल चुके हैं और बाकी हम लोग अभी और भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जो अपराधी हैं, जो बसंत हैं, उनका भी आपराधिक इतिहास मिला है। और इन लोग के गिरफ्तारी के पश्चात जो इनके जाँच के दौरान ये पता चला कि वन एक विवेक सिंह हैं, जो कि जीतनपुर के रहने वाले, जो असौ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से हम लोगों ने जो रघुनाथपुर में जो मूर्ति चोरी की घटना हुई थी, उस सारी मूर्ति को रिकवर किया। बेगूसराय में ITI मैदान में अनुमंडलीय कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन DM अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले में किसानों को खरीदने के लिए 105 प्रकार के कृषि यंत्र के स्टॉल लगाए गए हैं। यहां से खरीदारी करने पर किसानों को 50-90% तक अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। वही मेले में पूर्व चयनित दर्जनों किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की चाबी DM के द्वारा किसानों को सौंपी गई। के लिए बढ़ावा देने के लिए ये सभी अनुमंडलों में ये यांत्रिकरण मेला लगाया जा रहा है, और इसमें जो हमारे किसान भाई हैं, जो लोग आवेदन इसके लिए कर चुके हैं, उसको यहाँ पे देने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ इस मेले का ये भी उद्देश्य रहता है कि जो किसान भाई इसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है कि कौन कौन से यंत्र हैं जिसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि वो लोग भी प्रेरित होकर नए नए यंत्रों का क्रय करें। और क्रम में अपने अभी सरकार के द्वारा वर्तमान में लगभग 105 यंत्रों के संबंध में सब्सिडी दी जा रही है लगभग 40-50%, तो उसके लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया गया। बेगूसराय में नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। शहर के ट्रैफिक चौक से शुरू होकर मार्च कचहरी रोड, नगर निगम चौक, थाना चौक होते हुए आक्रोश मार्च DM ऑफिस पहुंच समाप्त हो गया। बता दें कि 17 फरवरी से समान काम समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक हड़ताल पर है। हमारा अरे लोकतंत्र है जिंदाबाद, अरे लोकतंत्र है जिंदाबाद। जो है हम 17 तारीख से हड़ताल है, बार बार सरकार को धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे करके समान काम का समान, राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना, सेवा शर्त आज तक लागू नहीं किया है, इसलिए मजबूर होकर के हमको आज हड़ताल पर भी गए, आज आक्रोश मार्च निकाले। इस माध्यम से भी सरकार यदि नहीं सुनती है, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। उधर सीतामढ़ी में भी 48 शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। इस आक्रोश मार्च में सीतामढ़ी के नियोजित शिक्षक संघ के सभी विंग शामिल हुए। जिला मुख्यालय डुमरा के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए यह आक्रोश मार्च डुमरा के परेड मैदान में आकर समाप्त हो गया। देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षा का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा में हाय हाय हाय। देश कुमार हाय हाय। आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब अल्पसंख्यकों को गोलबंद करने की मुहिम में जुट गई है। इसका आगाज संविधान बचाओ कारवा कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी के नानपुर से किया गया। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश से आए अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी ने नागरिकता कानून का मुद्दा लेकर नीतीश सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार संविधान और संघीय ढांचा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के पिछले 5 वर्षों के अंदर में सबसे पहले तो उन्होंने बिहार के जो जनमत आए थे उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया था। ये गठबंधन की सरकार को जनता ने CM बनाने का काम किया था। नीतीश जी जरूर उसके चेहरा थे, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी।
बेगूसराय में आम आदमी पार्टी अपने संगठन विस्तार के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। दिल्ली चुनाव में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान बिहार में भी चला रही है। बता दें कि बेगूसराय में अस्पताल अधीक्षक से सेवानिवृत्त डॉक्टर मीरा कुमारी ने पार्टी की सदस्यता ली, जिन्हें महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अंकेश कुमार ने भी हिस्सा लिया। आज मैं आप सबों से वही अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी दिल खोल के मेरा साथ दें। मैं बेगूसराय को स्वस्थ बेगूसराय और एकदम भ्रष्टाचार मुक्त बेगूसराय देखना चाहती हूँ। बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार को, बिहार मेरा विकसित हो, बिहार मेरा भ्रष्टाचार मुक्त हो और हमें ईमानदारी से स्वतंत्र होकर जीने का मौका मिले। आज हम लोग बहुत जड़े हुए हैं, आपका ऑफिस हर ऑफिस इतना बुराइयों से भरा हुआ, जैसे कि महामारी फैल गया, इतनी गहरी महामारी है। सिर्फ आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल, आपके कुछ पदाधिकारी हो या कुछ कर्मचारी हो जो एक्सेप्शनल है, जो ईमानदारी से काम करते हैं। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।